दोस्तों, रूस ने भारत से आज एक बहुत बड़ी मदद मांगी है और अगर भारत रूस की यह मदद कर देता है तो इससे रूस को अरबों का फायदा तो होगा ही, साथ ही भारत को भी इससे अरबों का फायदा होगा, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत होगी। दरअसल आप सभी को पता है कि जब पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर भारी भरकम सैंक्शंस थोप दिए और रूस को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से भी बाहर कर दिया, जिससे रसिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ गई। इन सैंक्शंस की वजह से रसिया यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड भी नहीं कर पा रहा और नेचुरल गैस की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा, और रसिया यूरोपियन कंट्रीज को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई भी बहुत अधिक मात्रा में किया करता था। लेकिन जब इन वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन वॉर की वजह से रसिया पर भारी भरकम सैंक्शंस इम्पोज किए तो इन देशों को रसिया जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता था वह भी बंद हो गया, जिसकी वजह से रसिया को डबल झटका लगा और अब रसिया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहा, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी को दलदल से सिर्फ भारत ही निकाल सकता है। भारत ने यूक्रेन वॉर के बाद रसिया से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जिसके बदले भारत ने रसिया को अरबों डॉलर्स की पेमेंट रसिया को दी है, जिससे रसिया की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है और अब रसिया ने भारत से इसी को लेकर बड़ी मदद मांगी है। सबूत के लिए आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल है जिसके मुताबिक रसिया की कंपनी रॉसनेफ्ट भारत आई है और वह भारत के साथ मिलकर एक रिफाइनरी बनाना चाहती है, जिसमें वह इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहती है, जिससे दोनों देश मिलकर क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे और फिर वर्ल्ड मार्केट में इस रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे होने वाली मोटी कमाई दोनों देश मिलकर आपस में शेयर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत करता है और इस कच्चे तेल को रिफाइन करके भारत अपनी जरूरतों को तो पूरा करता ही है, साथ ही इस क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल आदि बनाकर दुनिया के 106 देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे भारत को अरबों की कमाई होती है और भारत यह क्रूड ऑयल रसिया से ही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर परचेस कर रहा है। तो रसिया भी अब सोच समझकर भारत से मदद की गुहार लगा रहा है कि भारत हमारे साथ मिलकर एक बड़ी रिफाइनरी का निर्माण करे और फिर रिफाइंड ऑयल को दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करे, जिससे दोनों देशों को लाखों की कमाई बैठे बैठे होगी। और अभी जो रिफाइंड ऑयल हम 106 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब दोनों देश मिलकर क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे तो यह 106 देशों की संख्या बढ़कर 150 के भी पार जा सकती है। रसिया और भारत के बीच इस टॉपिक को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और रसिया की कंपनी रॉसनेफ्ट इसी मुद्दे के लिए भारत भी आ चुकी है, जिससे भारत रसिया यह डील फाइनल कर सके और आगे का काम शुरू किया जा सके। इसी को लेकर रसिया भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन एक विडंबना ये है कि इस डील पर अमेरिका की पूरी नजर बनी हुई। अगर भारत ने रसिया के साथ यह डील की तो शायद हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से भारत को प्रतिबंध झेलने पड़े, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश रसिया को सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन वॉर में अपने $46 बिलियन अभी तक बहा दिए हैं रसिया को बर्बाद करने के लिए। और अब अगर भारत रसिया की इस मुद्दे को लेकर मदद करता है तो यह भारत की अमेरिका को खुली चुनौती होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रसिया की यह मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।